हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्मार्ट में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों, ये सैमसंग का फ़ोन है। मान लीजिए सैमसंग का फ़ोन आपका अचानक टच काम करना बंद कर दिया है, आपका मतलब मोबाइल हैंग हो गया है और टच नहीं काम कर रहा है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखना। ये मान लीजिए सैमसंग का फ़ोन है आपका, मतलब टच नहीं काम कर रहा, आप इसे रिबूट करना चाहते हैं, रिस्टार्ट करना चाहते हैं या स्विच ऑफ करना चाहते हैं, तो ये नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपका मोबाइल हैंग हो गया है तो आपको अपने फ़ोन को रिबूट करना है, रिस्टार्ट करना है। और रिबूट और रिस्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन, दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करना है। लगभग 10 से 15 सेकंड आप दोनों बटन को एक साथ प्रेस करोगे, वॉल्यूम डाउन बटन और जो है पावर बटन, दोनों बटन को 10 से 15 सेकंड आप लगातार प्रेस करके रखोगे तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा। तो चलिए आपको करके दिखाता हूँ। वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन, दोनों बटन को आपको एक साथ प्रेस करना है। उसके बाद आपकी जब डिस्प्ले की लाइट बंद होगी तो आपको दोनों बटन को छोड़ देना है। उसके बाद आपका फ़ोन जो है रिबूट होगा। रिबूट होने के बाद आपका 100% जो है आपका मोबाइल यदि हैंग हुआ होगा तो आपका जो है काम करने लगेगा टच। तो कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि मोबाइल चलाते चलाते जो है उसका टच काम करना बंद कर देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिस्प्ले पे ग्राफिक आना बंद हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि माइक, स्पीकर, रिंगर तीनों एक साथ काम करना बंद कर देता है। कभी कभी फ़ोन आता है हमारे मोबाइल पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा मोबाइल अगर तो आपका हो जाता है, आपका समझ लीजिए मोबाइल हैंग हो गया है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपने मोबाइल को एक बार रिबूट और रिस्टार्ट करके जरूर देख लेना है। रिबूट और रिस्टार्ट करने में आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन, दोनों बटन को एक साथ प्रेस करेंगे 10 सेकंड तक, तो आपका फ़ोन ऑटोमेटिक रिबूट और रिस्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब हमारा जो है फ़ोन ऑन हो गया है और हमारा टच जो है बराबर काम कर रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।